प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको बधाई से आशीष दे, आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज एक और स्टोरी लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं और ये स्टोरी जो है नमान कोड़ी की है, जिसके बारे में आप लोग सब लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। और इस नमान कोड़ी के बारे में इसलिए ये स्टोरी बताना चाहता हूं कि इसका जो जीवन में जो कोड़ था, वो कोड़ ठीक कैसे हुआ, किस तरीके से ठीक हुआ, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। ये नमान जो कोड़ी था, ये अराम की सेना का जो था, एक सेनापति था और बहुत वीर था, बहुत योद्धा था। और जो राजा था, अराम का राजा, बहुत गर्व महसूस करता था इसके ऊपर, इसकी वीरता के ऊपर, और ये बहुत वीर योद्धा था। और यहां पर जो एक बहुत बड़ी बात जो है जो मैं बताना चाहूंगा, परमेश्वर का वचन ये कहता है कि वो एक बहुत शूरवीर और प्रसिद्ध योद्धा था, क्योंकि यहोवा ने उसके द्वारा अरामियों को विजय दिलाया था। अरामी जो लोग थे, जो अरामी सेना थी, वो इसके द्वारा किसने विजय दिलाई, परमेश्वर ने विजय दिलाई थी। यानी कहीं ना कहीं परमेश्वर का लिंक जो था, या परमेश्वर की दृष्टि में जो था, नमान कोड़ी था। नमान कोड़ी के यहां जो था, एक छोटी सी बच्ची जो थी, जब उसने इसराइल पर अटैक किया था और इसराइल के बहुत से लोगों को वो अपने साथ बंधुआई में ले गया था, और उसके साथ में एक छोटी सी बच्ची को भी वो लेकर गया था, परंतु उसने उस बच्ची को अपनी पत्नी के हाथ में सौंप दिया था कि वो उसकी पत्नी की जो है सेवा, उसके साथ सेवा कर सके, उसकी देखभाल कर सके। मगर ये जो योद्धा था, इसके अंदर जो था, इसके शरीर के अंदर कोड़ था, और उस समय कोड़ जो था बहुत घृणित बीमारी मानी जाती थी। लोग घृणा करते थे, लोग बाहर जो थे उनका घर बार जो था बिल्कुल गांव से बाहर या उस शहर से बाहर होता था, परंतु नमान कोड़ी जो था इस बात से बड़ा चिंतित था और बहुत ज्यादा परेशान था कि ये कोड़ ने, जो वो इतना वीर योद्धा होने के बाद भी इस कोड़ ने उसे अशुद्ध बना रखा है, और उसको जो है बहुत शर्म महसूस होती थी बहुत ज्यादा। उसकी जो पत्नी थी वो भी बेचारी बड़ी चिंतित थी, बहुत दुखी थी, और एक बार वो बहुत दुख में बैठी हुई थी और बहुत अफसोस कर रही थी। तो ये छोटी सी बच्ची जो थी, जो इसराइल में से के बंधुआई में से आई थी, और वो छोटी सी बच्ची गई अपनी मालकिन के पास और बोली कि आप इतनी उदास क्यों हैं, क्यों परेशान हैं, आप क्यों दुखी हैं। वो बताती है कि मैं क्या बताऊं, मेरा पति जो है वो इतना शूरवीर है, प्रसिद्ध योद्धा है, और वो बहुत पराक्रमी है, और उसने बहुत सी लड़ाइयां जो हैं अपने बल पर जीती हैं, मगर उसके अंदर एक बहुत भयंकर घृणित बीमारी है जिसको कोड़ कहेंगे। काश अगर वो कोड़ सही हो जाता तो मेरा जो पति है वो बिल्कुल ही अलग होता और मुझसे भी प्यार करता, मेरे पास आता, उठता, बैठता, हमारे घर में भी आता और हमसे बातचीत करता, क्योंकि कोड़ी जो थे वो आपस में मिलते नहीं थे जो सही होते थे, और उनका जो था वो अपनी पत्नी से भी नहीं मिल पाता था, बहुत दुखी रहता था, उसकी पत्नी भी बहुत दुखी रहती थी। अब यहां पर ये बच्ची जब सुनती है तो देखिए एक छोटा सा संदेश देती है। हमारे जीवन में कभी कदा छोटा सा संदेश अगर आता है, वह हमारे जीवन को बदल के रख देता है, हमारे सोच विचारों को बदल के रख देता है, या हम एक छोटा सा संदेश भी किसी दूसरे के जीवन में अगर पहुंचाते हैं तो उसका जीवन बदल सकता है। अब कैसे बदला, इस बच्ची ने क्या करा, इसने कहा काश मेरा स्वामी यानी मेरा मालिक जो है वो शोमरोन के भविष्यवक्ता के पास होता, और उस समय शोमरोन का जो भविष्यवक्ता था वो एलिशा था। जी हां, एलिशा था। अब जब इसकी मालकिन ने यह सुना तो वो कहने लगी, क्या कहा तुमने, कि काश मेरा स्वामी जो है, मेरा मालिक जो है वो शोमरोन के भविष्यवक्ता के पास होता तो इसका कोड़ जो था बिल्कुल ठीक हो जाता और ये शुद्ध हो जाता। अब उसकी पत्नी जो थी वो बिल्कुल उसी समय गई, उसने कहा सुन, इसराइल में से जो बंधुआई में एक बच्ची लेकर आया है, उस बच्ची ने आज मुझसे पूछा कि आप इतना दुखी क्यों हैं, इतना परेशान क्यों हैं, और मैंने बताया कि मेरा जो पति है वो कोड़ से पीड़ित है और इसलिए मैं दुखी और परेशान हूं, और मेरा पति भी जो है वो परेशान है। नमान ने कहा तो फिर उस बच्ची ने क्या कहा, उसने कहा उस बच्ची ने एक बड़ी अजीब सी बात करी आज। क्या बात कही बताओ ना, जल्दी बताओ मुझे।
उसने कहा कि काश मेरा स्वामी, मेरा मालिक जो है वो सुमरून के भविष्यवक्ता के पास होता। सुमरून का भविष्यवक्ता ये कौन है? अरे ये एलिशा है कोई। एलिशा है? क्या वो मेरा कोड सही कर सकता है? उसने तो बड़े विश्वास के साथ कहा, उसका कॉन्फिडेंस देखकर ही तो मैं तुम्हारे पास आई हूं। अगर उसका उसके अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं होता, वो विश्वास नहीं होता, तो मैं नहीं आती। मैंने उसके अंदर वो कॉन्फिडेंस, वो विश्वास देखा है, और इस बच्ची ने बस इतना सा एक संदेश दिया है, वो मैं तुम्हें सुनाने के लिए आ गई हूं। अच्छा ठीक है। वो राजा के पास बात जाती, राजा कहता ठीक है। वो बहुत सा जो है उसके लिए उपहार लेके जाता है, सोना चांदी कपड़े और जाने क्या क्या चीजें, और खाने पीने की बहुत सी चीजें लेकर जाता है। और वो राजा जो इसराइल का राजा होता है उससे कहता है कि नमान आ रहा है और उसका कोड जो है वो कोड अपने कोड से शुद्ध होना चाहता। अब नाम, अब राजा के तो हक्के बक्के, भाई मैं कैसे इसका कोड सही कर दूंगा यार, ये तो मतलब लड़ाई का कोई बहाना लेकर आ रहा है, ये मुझसे लड़ना चाहता है। अब भैया उसने अपने कपड़े फाड़ दिए। जब एलिशा के कानों तक पहुंची, एलिशा ने राजा से कहा अपने कपड़े मत फाड़, उसको आने दे मेरे पास, वो देखेगा कि इसराइल के अंदर जो है परमेश्वर का एक भविष्यवक्ता रहता है। राजा को कुछ शांति मिली, चलो एलिशा कह रहा है। जब वो आया, एलिशा अपने कमरे से बाहर नहीं निकला, एलिशा वहीं बैठा हुआ। अब देखिए, एक छोटी सी लड़की के संदेश को सुनकर उसने इतना लंबा सफर करके वो आया है सिर्फ शुद्ध होने के लिए। एलिशा ने कहा जाकर यर्दन में 7 बार डुबकी लगा ले। वो नमान जो था, वो क्योंकि वो इतना बड़ा सेनापति, वीर योद्धा और प्रसिद्ध व्यक्ति, उसका चारों तरफ नाम ही नाम था। यार ये एलिशा जो है ये निकल कर भी नहीं आया, इसने मुझे देखा तक नहीं, इसने मुझे छुआ तक नहीं, और ये कह रहा है यर्दन में, यर्दन नदी में जाकर 7 बार डुबकी लगा ले। क्या हमारे यहाँ नदियां नहीं थी? बहुत सी पवित्र नदियां, मैं उसमें डुबकी लगा चुका हूं, वहां तो कोड़ सही नहीं हुआ, तो यह यर्दन की नदी में क्या हो जाएगा? मगर भैया प्रभु के दास ने कहा था, एलिशा ने कहा था, मगर उसे आना तो था। उसके सैनिकों ने समझाया कि प्रभु अगर वो कोई कठिन काम बताता तो तू करता या नहीं करता? चलो उसने कहा है यर्दन में 7 बार डुबकी लगा ले तो लगा ले, देख ले। वो उनके कहने से जाता है और 7 बार डुबकी लगाता है, और 7वीं बार डुबकी लगाकर जैसी आता वो शुद्ध हो जाता है, उसका ठिकाना नहीं रहता है। वो जाता है और वो कहता है कि मैं जो हूं ये सब कुछ लेके आया हूं। वो कहता अपनी भेंट अपने पास रख, परमेश्वर ने तुझे शुद्ध कर दिया है, जा। तो वो कहने लगता है कि अब से मैं यहोवा को छोड़ और किसी को नहीं मानूंगा, परंतु जब राजा को मंदिर में ले जाता हूं और वो मूर्ति के आगे झुकता हूं तो यहोवा जो है मेरी उस गलती को माफ करे, और मैं यहोवा को छोड़ अब नहीं मान, अब किसी को नहीं मानूंगा, सिर्फ यहोवा की आराधना करूंगा, उसको छोड़ और किसी। मेरे प्यारे भाई बहनों, इस कहानी से जानते क्या मिलता? हम लोग नमान कोड़ी की तो बात करते हैं कि परमेश्वर ने नमान कोड़ी को ठीक किया, परमेश्वर ने नमान कोड़ी ने 7 बार यर्दन नदी में डुबकी लगाई और 7वीं बार जैसी वो आया और परमेश्वर ने उसका कोड़ शुद्ध कर दिया, परंतु ये शुद्धिकरण मिला उसे कैसे? एक छोटी सी बच्ची के संदेश के द्वारा। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हम लोग अपने बच्चों को सिखाते हैं डांस करना है, इस पे डांस करना है, ये गाना गाना ये करना, बहुत खुश होते हैं, मगर अपने बच्चे को वचन सुनाइए। कहीं वो आपके स्कूल में जाता हो, कहीं वो टीचर अगर उसकी परेशान हो, उसके बच्चे उसके संग पढ़ने वाले लोग परेशान हो, तो वो संदेश, एक छोटा सा संदेश दे सकें कि हमारा प्रभु यीशु मसीह चंगा करने वाला है। काश तुम्हारा पिता तुम्हारी माँ जो परेशान हैं, जो बीमार हैं, जो बीमारी उनकी ठीक नहीं हो रही, डॉक्टर उनकी बीमारी ठीक नहीं कर पा रहा है, उनका इलाज जो है वो नहीं हो पा रहा, आपके पास पैसे नहीं है, जो है एक छोटा सा संदेश का है कि काश वो यीशु मसीह के पास आते और वो ठीक हो जाते। देखिए, एक छोटा सा संदेश लोगों को शुद्ध और पवित्र तो करता है, उनके जीवनों को भी बदलता है। तो ये छोटा सा संदेश अपने बच्चों को सिखाएं, अपने जवानों को सिखाएं, अपने लोगों से कहें कि ज्यादा बड़ा संदेश नहीं, बस एक छोटा सा संदेश लोगों के जीवन तक पहुंचाइए, ताकि लोगों के जीवन बदले। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।